नमस्कार, ओम साईराम। साई समर्थ शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। शिरडी के साई बाबा के पास दुनिया के हर कोने से उनके भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा के पास किसी भी तरह का सिद्धि चमत्कार नहीं था, मगर तो भी उनके केवल स्पर्श में ही कुछ अलग शक्ति थी। साई के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, मगर आज साई बाबा की जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं, उसके बारे में आप में से शायद ही किसी को पता होगा। आज हम आपको साई बाबा की मूर्ति की कहानी सुनाएंगे। शिरडी के संत साई बाबा उन्हें सभी भक्त अपना गुरु मानते हैं। इसी कारण साई भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ गुरुवार के दिन ही देखने को मिलती है। आप अगर एक भी बार शिरडी गए होंगे तो आपने एक चीज पर शायद ध्यान दिया होगा कि वहाँ की सारी मूर्तियाँ साई बाबा के वृद्ध आयु को दर्शाती है। वहाँ की जो मंदिर के अंदर मूर्ति है, उसे भी आपने इसी अवतार में देखा होगा जहाँ बाबा ने अपने एक पैर को ऊपर दूसरे पैर पर रख कर बैठे हैं। साई भक्तों का यह मानना है कि साई बाबा हर रूप में उनके साथ रहते हैं और संकट आने पर बाबा उन्हें इससे बचाते हैं। बाबा की मूर्ति के पीछे की कहानी यह है कि सन 1954 तक शिरडी में साई बाबा की कोई मूर्ति नहीं थी। बाबा की पूजा केवल उनकी तस्वीर देखकर की जाती थी, मगर एक दिन अचानक से किसी ने इटली से मार्बल मुंबई के बांद्रा में भेजा। बाबा की मूर्ति के लिए मार्बल किसने भेजा था, आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ। शिरडी के संस्थान ने इस मार्बल की बाबा की मूर्ति बना दी। बाबा की मूर्ति को वसंत तालीम नाम के मूर्तिकार ने बनाया था। कहा जाता है कि मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने से पहले बाबा से प्रार्थना की और कहा कि उसे बाबा आशीर्वाद दे कि वह इस मूर्ति को बाबा की तरह बना सके। फिर बाबा की तस्वीर देखकर मूर्तिकार ने मूर्ति बनाया। आपको बता दें कि बाबा की वह मूर्ति उनके समाधि स्थान पर लगी हुई है। आप जो मूर्ति की पूजा करते हैं, शिरडी में बाबा की वह मूर्ति विजयदशमी के शुभ दिन पर स्थापित की गई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओम साईराम।